हेलो गाइज, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं टेक विकास। तो दरअसल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको, जनरली आपने स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल किया ही होगा और उसमें आप जानते होंगे कि सारे स्मार्ट फीचर्स जो एक फ़ोन में होता है वो आप एक टीवी में कर सकते हैं। दरअसल तो यहाँ पर जब आप विंडोज़ 10 आने के बाद आप ये स्मार्ट फीचर्स जैसे कि NFC का इस्तेमाल आप अपने लैपटॉप पर भी कर सकते थे, मगर यहाँ बात यह है कि आप कंप्यूटर पर यूज़ PC पर अपने कर सकते हैं कि नहीं। तो दरअसल पहले जो था ये सिर्फ विंडोज़ 10 जब अपडेट हुआ था उसी में मिला था, वो भी लैपटॉप में जिसमें इनबिल्ट वाईफाई कनेक्टिविटी था। दरअसल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने PC में भी आप इस स्मार्ट NFC का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे, चलिए वीडियो में मैं बताता हूँ आगे। वीडियो स्टार्ट करने में बताना चाहता हूँ, अगर इस ये जो NFC वाला सिस्टम अपने PC में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन इस्तेमाल कीजिए जिसमें कि NFC हो। जैसे अभी प्रत्येक फ़ोन में कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन ले उसमें आपको NFC फीचर मिला था। तो जैसे आपको देखिए, अगर पुराना आपका CPU बहुत ही पुराना है तो उसमें अगर विंडोज़ 10 अपलोड कर चुके हैं तो उसमें भी आप NFC का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर एक ही सर्फ पर होगा इसमें आपका जो PC है उसमें आपका वाईफाई जो है वो होना चाहिए। तो वाईफाई अगर इनके साथ आपका वाईफाई ना हो तो आप आसानी से वाईफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाईफाई जो है अपने PC में लाने के लिए आप आसानी से 120 या 30 रुपये में एक किट जो मिलता है वो लगा कर अपने CPU में आसानी से वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप अपने कंप्यूटर में पुराने सिस्टम PC को भी NFC से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने PC को विंडोज़ 10 में लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर देना है। उसके बाद अपडेट करते ही क्या करें, उसके बाद अपडेट करते ही देख वो वाईफाई किट लगाना है। वाईफाई किट कैसा मैं इस वीडियो में इस तरह का होता है देख सकते हैं। आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग में, यहाँ पर जाते ही आपको सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जाना है सिस्टम डिस्प्ले वाला ऑप्शन में। डिस्प्ले ऑप्शन में जाते देखिए नीचे, यहाँ पर आप विंडोज़ 10 में जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऐसे जनरली लैपटॉप में आपको अभी हर जितने भी नए लैपटॉप उसमें आसानी से मिल जाता है, मगर जनरली सिर्फ ये सिस्टम में नहीं मिलता। तो जैसे ही अपडेट करेंगे वो किट लगाने के बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट टू दिस PC का ये ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए जैसे कि मैंने एक किट लगाया हुआ, जैसे यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वाईफाई का सिग्नल आ रहा है। ये वाईफाई सिग्नल लाने के लिए मुझे एक किट लगाना पड़ा था, वो किट मैं किट के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना और यहाँ पर ऑन कर देना। इसको ऑन करने के बाद NFC का सारा सिस्टम आ जाएगा। सॉरी भाई लोग, मैं जैसे एक मिस्टेक कर रहा था, वो NFC नहीं दरअसल स्मार्ट फीचर के लिए हमेशा वो क्या होता है मिरर स्क्रीन वाला कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन बोलते हैं उसे, NFC नहीं बोलते, NFC दूसरा चीज़ होता है। तो दरअसल इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद देखिए आप अपने कोई भी स्मार्टफोन पर, जैसे देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन में आपको क्या करना है, जैसे ही आप सर्च मारेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप वाला ऑप्शन वायरलेस डिस्प्ले के लिए। तो इसको आप जैसे क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मांगता है अलाउ करना है कि नहीं। तो जैसे अलाउ करेंगे, देखिए जैसे आप अलाउ करेंगे तो ये प्रोजेक्ट ले लेगा, यानी आप पुराने सिस्टम को भी आप आसानी से एज अ लैपटॉप और स्मार्ट TV की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला, जैसे कि देखिए फोन यहाँ पर कर चुका है, ये जो यहाँ पर देख सकते हैं CPU मेरा बहुत लगभग बहुत ही पुराना सीरीज़ का, तभी ये स्मार्ट हो गया बस 120 रुपये का एक किट लगाते हुए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आपसे मिलता है वीडियो में, बाय बाय।